नमस्कार दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रती साल भर से इस पर्व का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। चार दिवसीय महापर्व के पहले दिन व्रती गंगा स्नान के बाद भगवान भास्कर को प्रणाम कर कद्दू भात का भोग लगाएंगे और संकल्प लेकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। वहीं छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की चहलकदमी तेज हो गई है। इधर पटना पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यालय से पटना पुलिस को 2500 से 3000 अतिरिक्त पुलिस जवान दिए गए हैं, जिसकी तैनाती छठ घाटों पर कर दी गई है। यही नहीं, भीड़ को देखते हुए पुलिस बल को बढ़ाया भी जा सकता है। जब भी पटना के छठ की बात होती है तो राबड़ी आवास के छठ को भी लोग एक बार जरूर याद करते हैं। हालांकि इस बार भी राबड़ी आवास में छठ पर रौनक नहीं दिखेगी। पिछले साल भी राबड़ी देवी के यहाँ छठ नहीं हुआ था। लालू यादव किडनी से संबंधित बीमारी को लेकर परेशान चल रहे थे। हालांकि इस बार वे पहले की तरह काफी बेहतर है, लेकिन पूरा परिवार पटना से बाहर है। ऐसे में इस बार भी राबड़ी आवास पर छठ की रौनक नहीं दिखेगी। राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके लिए नियमावली को शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर राज्य सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी है। सरकार की मंजूरी के बाद नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर उत्तीर्ण होने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके बाद बीपीएससी से बाहर शिक्षकों को समतुल्य वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। इधर हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बीपीएससी शिक्षक बहाली की पोस्टिंग में घोटाले के आरोप लगाए हैं। मांझी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बीपीएससी से नियुक्त बिहार के शिक्षकों को गांवों में पोस्टिंग दी जा रही है। दूसरी ओर बाहरी राज्य के शिक्षकों को शहरों में तैनाती की जा रही है, इसके लिए उनसे मोटा माल यानी कि पैसा लिया जा रहा है। पटना के एक अस्पताल में घायल युवक की हुई मौत की सूचना पर पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने लापरवाही देख स्टाफ और निदेशक की क्लास लगा दी। चिराग ने अस्पताल में मौजूद स्टाफ से कहा कि आप लोग यहां पर गोरख धंधा बनाए हुए हैं, एक डॉक्टर आप लोगों के अस्पताल में नहीं है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया। मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि आपकी विफल बालू नीति और आपके संरक्षण में पड़ रहे बालू माफिया कितने बिहारियों की जान लेंगे और आप कब तक आंख मूंद कर सोए रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की अवधारणा को ही अमान्य कर दिया है और अब किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर विशेष दर्जा से कई गुना अधिक मदद कर रहे हैं। अगली खबर झारखंड से है, जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सुरक्षा में तैनात जवानों पर कार्रवाई हुई, लेकिन अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया, तो वहीं दूसरी तरफ महिला पर काफिला रोकने के लिए प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। इधर राजधानी रांची का JSCA स्टेडियम 18 नवंबर से क्रिकेट के पूर्व धुरंधरों से गुलजार रहने वाला है। उद्घाटन मैच शनिवार को इंडिया कैपिटल्स और भिलवाड़ा किंग्स के बीच होना है। पहले मैच में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर और इरफान पठान बतौर कप्तान आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 20 पर पहले चरण में मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 76.47% मतदान हुआ था। दोनों ही राज्यों में बुधवार शाम चुनाव प्रचार थम गया था। बाकी 3 राज्यों राजस्थान, तेलंगाना और
मिजोरम के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अब खबर खेल जगत की। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के लिए एंट्री कर ली है। गुरुवार रात ईडन गार्डन्स में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में मात देने के बाद कंगारू टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले टीम इंडिया ने बुधवार को न्यूजीलैंड को पटखनी देकर चैंपियन बनने की ओर कदम बढ़ाया था। अब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया ही टकराएंगे। अब खबर मनोरंजन जगत की। महापर्व छठ पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी खास तैयारी में है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर नए गाने की वीडियो शेयर कर फैंस को खास तोहफा दिया है। एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह बैठी हुई हैं और गाने की रियाज करती हुई नजर आ रही है। अक्षरा सिंह के गानों को फैंस खूब पसंद करते हैं। अब छठ के त्योहार के खास मौके पर अक्षरा के नए गाने को लेकर फैंस काफी खुश हो गए हैं और अक्षरा के नए पोस्ट को देखकर फैंस भी एक्साइटेड हो गए हैं। अब खबर मौसम की। मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 17 जिलों में मौसम के बदलाव की आशंका जताई है। इन जिलों में 19 और 20 नवंबर को आसमान में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इससे छठ व्रतियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।